दोस्तों अब नया साल आने वाला है और नए साल में स्मार्टफोन कंपनीज जो है वो बहुत ही धमाल करने वाली हैं, क्योंकि वो जो है वो जनवरी के महीने से ही अपने बहुत बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं और सारी कंपनीज अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं जनवरी के महीने में। तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ये जो वीडियो है आपके बहुत ही काम की हो सकती है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। स्मार्टफोन की तरफ चलने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इस साल की हमारी लास्ट वीडियो हो सकती है। हमने इस साल है ना आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थे और इंटरटेनमेंट भी थे, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इन वीडियो में और आपने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे Xiaomi से। तो Xiaomi 12 सीरीज जो है वो आपको 28 दिसंबर को लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। ये जो लॉन्च है वो ग्लोबल लॉन्च होने वाला है और इसकी जो थोड़ी बहुत स्पेक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रूँगी, ये आपको स्पेक देखने को मिल सकती हैं और इसका फर्स्ट लुक भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ ऐसा। ये अभी थोड़ा बहुत लीक्स आए तो इसके हिसाब से आपको ऐसा ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। और वैसे 28 तारीख को ये लॉन्च हो ही रहा है तो हम देख लेंगे क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है इस फ़ोन में। दोस्तों Realme GT 2 ये जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको GT 2, GT 2 Pro देखने को मिलेगा और GT Fold भी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी लीक्स भी आ रही हैं। और ये जो है हमें पता चल जाएगा 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को इसका लॉन्च है जो कि होने वाला है चाइना में, तो हमें सारी चीज़ें कुछ पता चल जाएंगी। और अभी फ़िलहाल में आपको ये थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। इसका लुक भी बाहर आ चुका है और 50-50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ ये फ़ोन हो सकता है। Xiaomi की अगर हम बात कर रहे हैं तो Xiaomi का 11i हाइपर चार्ज ये जो है वो आपको 6 जनवरी को लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। ऑफिशियली ये कन्फर्म हो चुका है कि आपको 6 जनवरी को देखने को मिलने वाला है और इसमें आपको हाइपर भी देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था Xiaomi का 11i हाइपर चार्ज और हाइपर आपको देखने को मिल सकता है। पर आपको एक और बात बता दूँ कि जो चाइना में फ़ोन लॉन्च हुए थे Redmi Note 11 Pro और Pro Plus, उनका ही ये रिब्रांड होके आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है और 6 तारीख को तो लॉन्च ही हो रहा है, तो देख लेंगे कैसा क्या आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन में। और दोस्तों iQOO 9 सीरीज ये जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फ़ोन है ये आपको 9 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होता दिखाई देगा, यानी कि इंडियन लॉन्च होने वाला है और मुझे इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है और इसकी जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका जो फर्स्ट लुक है वो भी आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि iQOO 8 सीरीज़ को अपने इंडिया में थोड़ा सा स्किप कर दिया गया था, थोड़ा क्या पूरा ही स्किप कर दिया गया था, तो अभी हम देखेंगे कि 9 सीरीज़ में क्या ही आपको कमाल देखने को मिलता है iQOO की तरफ से। iQOO 7 सीरीज़ भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई थी, अब देखना ये है कि 9 सीरीज़ क्या धमाल करती है अपने इंडिया में। और Redmi की अगर हम बात करें तो Redmi की Note 11 सीरीज़ ये आपको जनवरी के महीने में अपने इंडिया में देखने को मिल सकती है और इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको Redmi की Note 11 सीरीज़ आपको देखने को मिलने वाली है जो कि ओरिजिनल Redmi Note 10 का सक्सेसर रहने वाला है। और OnePlus की तरफ से आपको OnePlus 10 सीरीज़ देखने को मिलने वाली है जो कि इसकी पहले से ही आपको बहुत सारी लीक्स देखने को मिल गई होंगी और थोड़ी सी जानकारी मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ, तो आपकी स्क्रीन पे जो थोड़ी बहुत जानकारी दिखाई दे रही होगी और ये भी आपको जनवरी के महीने में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और Samsung की तरफ से आपको 2 फ़ोन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 2 सीरीज़ देखने को मिल सकती है जो कि बहुत ही कमाल की रहने वाली है। और Samsung की जो पहली सीरीज़ है वो है S21 FE एडिशन, ये आपको देखने को मिल सकता है अपने जनवरी के महीने में। और S22 सीरीज़ जो है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है जनवरी के महीने में और इसकी जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको स्क्रीन पर वो भी दिखाई दे रही होगी, यानी कि आपको Samsung की तरफ से बहुत ही बढ़िया पैकेज देखने को मिलने वाला है जनवरी के महीने में। और OnePlus का OnePlus RT या फिर हम इसे 9 RT भी कह सकते हैं, ये फ़ोन अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है अपने इंडिया में, चाइना में तो पहले ही लॉन्च हो चुका था, तो ये फ़ोन भी आपको जनवरी के महीने में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और Oppo की तरफ से आपको Oppo Reno 7 सीरीज़ देखने को मिलने वाली है, इसकी जो जानकारी है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी और ये जो है वो पहले ही लॉन्च हो चुका था और मैंने इसके बारे में जो है वो अपने
टेक माहौर शॉर्ट्स जो चैनल है, सेकंड चैनल है हमारा शॉर्ट का, वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। ये फ़ोन भी आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। अभी जनवरी के महीने में किस प्राइस पे आएगा ये मुझे देखना है, क्योंकि प्राइस मुझे इसकी देखनी है कि प्राइस इसकी क्या होगी। ओवरऑल फ़ोन तो बहुत ही बढ़िया है। और तो दोस्तों वीवो की तरफ से भी आपको एक फ़ोन देखने को मिलेगा, जो होगा वीवो V23। ये जो फ़ोन है आपको देखने को मिल सकता है, इसके जो वीडियोस है वो भी अभी बाहर आए थे, जो कि मतलब बढ़िया दिखाई दे रहा था, फ्लैट एजेस थे, जो कि मतलब एप्पल की थोड़ी बहुत याद दिला रहे थे। तो मतलब उस आपको वीवो की भी तरफ से आपको जनवरी के महीने में एक फ़ोन देखने को मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक फ़ोन तो आपको देखने को मिलेगा ही। दोस्तों ये जो वीडियो है मैं 24 तारीख को शूट कर रहा हूँ, तो अभी हमारे पास इतनी ही लीक है। अब पता नहीं जब तक कि ये वीडियो जाएगा और भी कितने फ़ोन्स की लीक्स आपको देखने को मिल जाए, और वो जो लीक है मैं अपने ट्विटर हैंडल पे ज़रूर डालूंगा, तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं वहाँ डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ डालते ही रहता हूँ, फोन्स के बारे में ज़्यादा मैं ट्वीट वहाँ करता हूँ, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सारी चीज़ें कर देना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आपको ट्विटर हैंडल भी दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।